क्योंकि राज्य सरकार ने कल से ही यहां लोग नहीं आ सके उसके उन्होंने तरह तरह के हथकंडे को अपनाया। पहले तो उन्होंने अपने ओर से उन्होंने कोशिश की जो बस वाले हैं गाड़ी वाले हैं उनको परेशान करना, और कल से ही सूचना मिली तो प्रदेश अध्यक्ष और हम सब लोग बैठ करके जिला में पदाधिकारियों से भी हम लोग लड़ते रहे, और आज भी सवेरे से पता चला कि जो लोग आ रहे थे वो जगह जगह पर रोकना, चेकिंग करना, अनावश्यक रूप से परेशान करना। लेकिन आप सब लोग संघर्ष करते हुए भय मुक्त होकर के अपने मिशन में आप सब लोग यहां पहुंचे, ये इस बात को दर्शाता है कि आप सब ने आप संकल्प ले चुका है अब झारखंड प्रदेश से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को, लुटेरी सरकार को, नौजवानों को ठगने वाले सरकार को अब उखाड़ करके इस राज्य से फेंकना है। ये आपकी ये उत्साह आपकी ये उमंग दिखाती है, और आज आप सब लोगों के बीच में आप सब के सामने बारी बारी से सारी बातों को आप सब के सामने रखा है। आप तो हम लोग सचिवालय की ओर कोच करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा, फिर आप सबको बताया जाएगा कि हम सब लोग कैसे जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे। हम सब अनुशासित तरीके से अनुशासन बनाए रख करके अपनी आंदोलन को हम सब लोग करेंगे, चाहे झारखंड सरकार आंदोलन को कुचलने का जितना भी कोशिश कर दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अतीत है कि हम संघर्ष के बल पर ही, संघर्ष के बुनियाद पर ही आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो संघर्ष कैसे किया जाता है। आज इस प्रदेश के अंदर में कैसी लोगों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, लूटने वालों की सरकार है, जिसे काम करने के लिए जनता ने बैठाई, आज वो कमाने में लगी हुई है, यहां तक कि वो बालू को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, लोहा हो, जितनी भी खनिज है सारे खनिजों को लूट रही है। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है, और इसीलिए आज ये जरूरत है कि इस राज्य से इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकनी है, और उस संकल्प के साथ ही आज यहाँ आप उपस्थित हुए। आगे भी हम सब लोग इस संकल्प के साथ बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।